मैं हैरान हूं, आजाद साहब आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे, कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट और जागरूकता अभियान दोनों में थोड़ा अंतर करना चाहिए। जो बिहेवियरल चेंज का विषय होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाता है। आप बच्चों को कहो भी हाथ धोकर के खाना खाओ, उसके लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना पड़ता है, खर्चा तो सरकार को देना पड़ता है, लेकिन वो सरकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं है जी। आपको भी जब एपिडेमिक हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपको भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी कि भाई इस एपिडेमिक में गर्म पानी उबाल के पियो, डिकना करो, फलाना करो, देना पड़ता है। इसको अगर आप एडवर्टाइजिंग कहें, बेटी बचाओ बेटी बचाओ के साथ इसके साथ जोड़ दें, ठीक नहीं कर रहे हो आप तो, कम से कम ऐसा मत करो, इतने साल आप सरकार में रहे हो। लेकिन दुख तब होता है कि मनरेगा के नाम पर कोई मिट्टी उठा करके फेंकने जा रहा है। 3 साल तक देश को एडवर्टाइजिंग किया गया, मनरेगा वो कोई बिहेवियरल चेंज का काम नहीं था, लेकिन एक नेता को प्रस्तावित करने के लिए सरकारी खजाने से एडवर्टाइजिंग किया गया था। इसको देश भूल नहीं सकता है। लोगों को हाथ धोकर के खाना खाओ, ये बिहेवियरल चेंज का। इसलिए हम जागरूकता अभियान और प्रचार अभियान को भी जहां अंतर देखें, वरना तो देश में बदलाव लाने का काम कैसे करोगे जी, कैसे करोगे? और इसलिए मैं समझता हूं कि इन चीजों, यहां आयुष्मान भारत योजना पर भी सवाल उठाए गए। पिछले 5 साल में सभी राजनीतिक दलों के एमपी एक बात को लेकर के मुझे लोकसभा और राज्यसभा के जब भी मिले हैं, मेरी बधाई की है, मेरा अभिनंदन किया है। किस बात के लिए? अपने इलाके से किसी बीमार व्यक्ति के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री राहत कोष से उसको मदद मिले। मैंने नियम बनाया था 100%, कुछ मत देखो भाई गरीब के लिए। और करीब करीब सभी दल के सभी एमपी मेरे पास आते थे। आयुष्मान भारत योजना की ताकत क्या है वो उस एमपी को मालूम है जिसने अपने इलाके के उस गरीब को मदद के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी दी। आज करीब करीब 0 चिट्ठी हो गई उसी एमपी की चिट्ठी है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको आयुष्मान भारत से फायदा मिल रहा है, इसलिए अब प्रधानमंत्री का कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। यह बड़ा बदलाव। अब उस आयुष्मान भारत 30 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया। हाँ, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कोई नेगेटिव चीज हमारे ध्यान में आई है, कुछ कमी ध्यान में आई, मैं बताता हूं हम सब मिलकर के उसको सुधारें। आप मेरा ध्यान आकर्षित कीजिए, आयुष्मान भारत योजना को जितना हम सशक्त बनाएंगे, सच्चे अर्थ में इस देश के गरीब को हम और गरीब होने से बचा सकते हैं। वरना गरीब अगर न्यू मिडिल क्लास की दिशा में जा रहा है, पैर रखना है, घर में एक बीमारी आई, उसकी पूरी 20 साल की मेहनत पानी में चली जाती। हम बहुत बड़ा मानवता का काम होगा। इसलिए आयुष्मान भारत की आलोचना करने के बजाय, और इसकी क्रेडिट मोदी ले जाएगा, अब मिल गए भाई, हो गया, चुनाव का नतीजा आ गया, आप काम करो। 2024 के लिए नए काम लेकर के जाने वाला हूं मैं, आप चिंता मत कीजिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको जरा हम